मुश्किल है। देखो छत्तीसगढ़ हम बहुत क्लियर कट बोल रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस की सरकार आ रही है, बिल्कुल क्लियर कट भूपेश बघेल अपनी सरकार बना लेंगे। जिस तरह से वो लोगों से कनेक्ट करते हैं, मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मुख्यमंत्री बाकी प्रदेश की हो। जिस तरह से उनका कनेक्ट है युवाओं के बीच में, वो देखने लायक है। तो जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से उनके काम हुआ है, स्कूल्स को लेके, कॉलेजेस को लेके, छात्रावास को लेके, अगर बोलते हैं शिक्षा आपने दे दी तो आप प्रदेश का भला ऑटोमेटिकली होना है। जब शिक्षित लोग होंगे तो भला होना ही है, क्योंकि किसान को देखो खेत में ही काम करना है, महिलाओं को चूल्हे पर ही काम करना है, उनको सिलेंडर सस्ता मिल जाए, किसान को उसके अनाज खरीद की कीमत सही मिल जाए, ये मैं इस पहलू को बिल्कुल गलत मानता हूँ कि लोन माफी वाला आपको सक्षम बना। ठीक है, अभी स्थिति कई होगी, स्थिति मतलब 100 में से मैं बोलता हूँ कि 20 की 30 की स्थिति खराब हुई, उनके आप लोन माफ कर सकते हैं। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आप देखो, अगर वोटर का दूसरा चरण है तो 1.63 करोड़ वहाँ पर वोटर, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें महिलाएं ज्यादा हैं, 81.72। न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण और मैं हूं हरीश असवाल। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान होना है, एक चरण हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान आज सुबह से जारी है। 70 सीटों पर ये वोटिंग सुबह से हो रही है। अगर मैं बात करूं तो दोपहर करीब 3 बजे तक जो वोटिंग परसेंट है वो करीब करीब 60% हो गया, यानी ये कहा जा सकता है कि शाम तक ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। अब अगर वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो पलड़ा किसका भारी होगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखी जा रही है। लेकिन हरीश जी, अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो पहली पसंद भूपेश बघेल ही बने हुए हैं, भले ही 508 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप उन पर लग गया हो। बिल्कुल काजल, भूपेश बघेल की वहाँ लोकप्रियता काफी अच्छी है, और कहें तो जिस तरह से उनका कनेक्ट है युवाओं के बीच में, वो देखने लायक है। वो किस तरह से विद्यार्थियों के साथ जुड़ते हैं, नए वोटर्स के साथ जुड़े हैं वो, और किस तरह से उनकी डिमांड ऑन स्पॉट वो रिजॉल्व करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। महादेव ऐप के थ्रू उनके ऊपर आरोप लगा कि इलेक्शन लड़ने के लिए फंड जुटाया गया, अभी वो आरोप है, कितना सिद्ध होता है क्या होता है वो तो जो भी होगा बाद में होगा। आज मेरे को लगता है कि भूपेश बघेल को जितने ज़्यादा वोट पड़ेंगे भूपेश बघेल को फायदा होगा, उनकी लोकप्रियता है काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पाटन सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो 70 सीटें उनमें 15 सीटें महत्वपूर्ण है, धीरे धीरे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले पाटन सीट का जिक्र करूंगी, क्योंकि यहां पर कांग्रेस से भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री भी है, और इसमें वर्सेस जो है वो बीजेपी के विजय बघेल है, यानी कि अगर जातिगत तौर पर देखा जाए तो दोनों एक ही जाति से आते हैं। लगातार पाटन सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव जीतते आए हैं, और 1993 से लेकर अब तक 6 बार चुनावी मैदान में वो उतर चुके हैं, जिनमें 5 बार वो बाजी मार चुके हैं, सिर्फ 1 बार उन्हें यहां पर हार का सामना करना पड़ा, यानी ये कहा जा सकता है कि भूपेश बघेल ने जड़ जमा ली है, हिलाना बहुत मुश्किल। देखिए, काम बोलता है, भूपेश बघेल का काम बोलता है, जिस तरह का उनको व्यक्तित्व है, जिस तरह से वो बात करते हैं, जैसे कनेक्ट करते हैं, मैं बोलता हूँ ये बहुत जरूरी होता है। आपको उनको अप्रोच करना मुश्किल नहीं है, उनको मिलना बहुत आसान है, और ये आम जनता यही चाहती है कि आप किस तरह से आप मुख्यमंत्री से मिल पाएँ, उनसे बात कर पाएँ, किस तरह से वो आपकी भाषा में बात करते हैं, ये बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का। भूपेश बघेल इस चीज़ को करना जानते हैं। अगर मैं बोलूँ कि छत्तीसगढ़ में उनकी कांग्रेस की ज़मीन बचाई है, तो उन्होंने ही बचाई है अपने काम से, अपने कनेक्ट से, इन सब चीज़ों से उन्होंने ज़मीन बचाई है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आप देखो, अगर वोटर का दूसरा चरण है तो 1.63 करोड़ वहाँ पर वोटर हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें महिलाएं ज़्यादा हैं, 81.72, और मैं समझता हूँ महिलाओं का जो रुख है वो भूपेश बघेल की तरफ है, तो पुरुषों का 81.1, पुरुषों का थोड़ा बीजेपी कनेक्ट रहता है, और वो जो वोट बटेगा वो बीजेपी वाला पुरुषों वाला ही बटेगा। महिलाओं के लिए स्कीम भूपेश बघेल ने चलाई है, उससे जो लाभ मिल रहा है, लाभान्वित महिलाएं हो रही है, उसका असर है कि जमीनी स्तर पर आप निकलेंगे तो आपको जमीन से जुड़े नेता का नाम आप पूछेंगे तो भूपेश बघेल ही सबके मुंह पर अभी नजर आता है। तो फटाफट से ओपिनियन पोल क्या कहता है वो उस पर नजर डाल देते हैं। बीजेपी 35, कांग्रेस 52, अन्य 3, 90 सीटों का नफा नुकसान क्या होगा ये तो खैर वक्त बताएगा, आज वोटिंग है 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे, लेकिन यहाँ मार्जिन अच्छा खासा है, अगर अन्य भी बीजेपी के साथ जाता है तो भी मुश्किल है। सरकार आ रही है और वहाँ पर कोई दोराय नहीं है कि हम कोई कुछ कांटे की टक्कर या किस तरह का, बिल्कुल क्लियर कट भूपेश बघेल अपनी सरकार बना लेंगे।
और सबसे अच्छी बात है कि 18 से 19 साल के जो वोटर हैं वो 5.64 लाख के आसपास है। अब जितने मतलब यंग जनरेशन है वो सब कनेक्ट होती है भूपेश बघेल से, तो बहुत बड़ा फर्क उनको जो नया वोटर आपको मिलेगा है ना, 80 प्लस के आयु वाले लोग भी उनको मिलेंगे जहाँ कम है, 2 लाख 1.5 लाख के आसपास है, 1.58 के आसपास है, 100 प्लस आयु के भी हैं वहाँ पर, जो सबसे अच्छी बात है 2161 उसके हैं, दिव्यांग भी हैं 1.3 के, तो जिनके लिए काम किया है बेसिकली भूपेश बघेल ने, देखो वो वोट में कन्वर्ट होंगे। आज 2018 का परिणाम क्या कहता है उस पर भी नजर डालनी जरूरी हो जाती है। देखिए बीजेपी को यहाँ 15 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 78, अन्य को 7, एक बड़ा मार्जिन था। क्या वो मार्जिन हमें एक बार फिर से देखने के लिए मिलेगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह वहां गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, बड़ी रैलियां की है। हालांकि अगर बीजेपी की मैं बात करूं तो अभी तक नाम घोषित नहीं हो पाया है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता रही है। लेकिन जो अंदर खाने खबरें निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ओपी चौधरी जो है उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री बन सकते हैं बीजेपी के तो ये बड़ा चेहरा रह सकते हैं। हालांकि फिर ऑफिशियल तौर पर कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन अंदर खाने से बीजेपी की तरफ से चेहरा कभी भी नहीं होता, हमेशा मोदी के नाम पे ही वोट लिए जाते हैं और मोदी के नाम पे ही इलेक्शन होता है। पर यहाँ पर आप किसी का भी चेहरा रख लो, यहाँ पर क्लियर कट भूपेश बघेल साहब आ रहे हैं और उनको लोग पसंद भी करते हैं। अगर आप पसंद की बात करें तो भूपेश बघेल साहब को 45% लोग पसंद करते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। रमन सिंह को 34% पसंद करते हैं और टीएस सिंहदेव को 6% और अरुण साव को 5%, तो ये लोगों की पसंद है। तो मतलब 45% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है जहां लोग पसंद करते हैं, उनके काम को पसंद करते हैं। मैं पहले भी आपको बार बार बोल चुका हूँ, तो इसका कांग्रेस को ही फायदा मिलेगा और भूपेश बघेल को कोई उनका दूसरा मुझको लगता नहीं विकल्प उनका कांग्रेस भी ढूंढ रही होगी। बिल्कुल, और जिस तरह से 6 बार उन्हें जीत मिली है, एक बार बस वो हारे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या होता है, घोषणा पत्र देखिए, क्योंकि आज जब ग्राउंड जीरो पर आप निकलेंगे और जिस तरह की तस्वीर निकल कर सामने आ रही है वो मैनिफेस्टो पर पूरी तरह से निर्भर है। अगर देखा जाए तो इस बार जो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे, बताए जा रहे थे कि हिंदू मुस्लिम मुद्दा हो सकता है या कोई और मुद्दा हो सकता है, लेकिन खासतौर पर ऐसा मुद्दा वो दिखाई नहीं दिया। जो एक मुद्दा था कि यहाँ पर जो करप्शन है वो बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, वो भी नहीं हुआ। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा हो सकता है, वो भी नहीं हुआ। हालांकि 50-50 रहा है, बेरोजगारी 25% मुद्दा रहा, महंगाई 25% रहा, करप्शन 7%, करप्शन यहाँ सिर्फ 7%। जिस मुख्यमंत्री पर 508 करोड़ महादेव बेटिंग ऐप के जरिए आरोप लगाया गया, वहां पर करप्शन सिर्फ 7% मुद्दा रहा है। कानून व्यवस्था 10%, बुनियादी सुविधाएं 3%, यानी कि काम हुआ है। अगर बुनियादी सुविधाएं सिर्फ 3% मुद्दा रहा तो काम हुआ। आय 13%, आरक्षण यहां पर है ही नहीं, आरक्षण सिर्फ 3% मुद्दा रहा है, अन्य 14% मुद्दे रहे हैं। इससे समझ में आता है कि यहाँ का जो आदिवासी है वो पूरी तरह से भूपेश बघेल पर निर्भर है। बिल्कुल, वो देखो उनका जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से उनके काम हुआ है, स्कूल्स को लेके, कॉलेजेस को लेके, छात्रावास को लेके, बहुत सारे काम भूपेश बघेल ने बिल्कुल ऑन स्पॉट किए हैं। सीटें बढ़ाना हो, छात्रावास की सीटें बढ़ाना हो, इन सब के, या कोई आवासीय योजना को लेके बात करनी हो, उन्होंने तुरंत उसका एक्शन लिया, काम किया और अपने इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर थे उनके। बड़ा फैन हूँ इस मामले में कि जिस तरह से वो लोगों से कनेक्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मुख्यमंत्री बाकी प्रदेश की हों, हमारे उत्तर प्रदेश की भी इसी तरह से हैं, वो भी जनता दरबार लगाते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, एक नॉर्मल भाषा में आपके साथ जुड़ते हैं, आपकी समस्याएं सुनते हैं, उनको मतलब निस्तारण भी तुरंत करते हैं। और अधिकारियों को ये साफ साफ क्लियर मैसेज है कि जो एप्लीकेशन मेरे हाथ से तुम्हारे हाथ में आए वो उसका निस्तारण होना अनिवार्य है। इसी तरह से भूपेश बघेल का भी वहाँ पर बहुत अच्छा इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन है। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है, देखिए अपना घोषणा पत्र कांग्रेस पहले ही जारी कर चुके हैं, 2 दिन पहले ही जारी किया है। किसान कर्ज माफी को लेकर पहले इन्होंने वादा किया था, उनका कहना है कि हमने 9,200 करोड़ का कर्ज माफ कर चुके हैं पिछली बार जब हम 2018 में आए, और कुछ आंकड़े बताते भी हैं कि ऐसा हुआ है। तभी किसान जो है वो रुक कर रहे हैं, आदिवासी किसान है वो भी रुक कर रहे हैं भूपेश बघेल का। प्रदेश में 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे, इससे पहले सरकार 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रही थी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को मिलने वाली धान की कीमत में 3200 रुपये की जाएगी, 200 यूनिट फ्री बिजली, सरकार बनते ही एक बार फिर से।
और 50 लाख उपभोक्ताओं को इससे लाभ मिलेगा। इसके अलावा भी प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल कॉलेजेस में केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, जब कोई क्षेत्र ऐसा हो जो हाँ जहाँ पर नक्सलवाद बड़ा हो, हालांकि अब बहुत कम है, लेकिन पहले छत्तीसगढ़ ने देखा उस चीज़ को, जहाँ पर आदिवासी बाहुल्य प्रदेश हो वहाँ पर शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब आप केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त कर देंगे तो ये बहुत बड़ा वादा है, हालांकि कितना पूरा होगा ये तो खैर वक्त बताएगा। और आय वर्ग की जो है सभी माता बहनों के लिए एक योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत सिलेंडर रिफिल कराने पर 500 रुपए की सब्सिडी सीधे महिला के खाते में जाएगी। सिलेंडर भी सस्ता होगा, सब्सिडी भी 500 रुपए जाएगी। काजल, देखो आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता को कोई मतलब नहीं होता कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होगा, किस वो योजनाएं क्या हो गए, आम आदमी को कितना फायदा हो रहा है, उनको क्या क्या फायदे पीछे हुए हैं। क्योंकि किसान को देखो खेत में ही काम करना है, महिलाओं को चूल्हे पे ही काम करना है, उनको सिलेंडर सस्ता मिल जाए, किसान को उसके अनाज खरीद की कीमत सही मिल जाए, और बच्चों को एजुकेशन, देखो एजुकेशन एक मस्ट पॉइंट है जिसको बोल सकते हैं। अगर बोलते हैं शिक्षा आपने दे दी तो आप प्रदेश का भला ऑटोमेटिकली होना है, जब शिक्षित लोग होंगे तो भला होना ही होना है। तो ये बहुत अच्छा पहल है इनकी, बघेल साहब की, कि भाई केजी से लेकर पीजी तक की मैं शिक्षा मुफ्त दूंगा। अगर ऐसा होता है तो बाकी प्रदेश भी इस मॉडल को अपनाएंगे। अगर मैं मैनिफेस्टो की बात करूं, हमने कल मध्य प्रदेश पे बात की थी, हम पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर उस पे स्टेट पर बात कर चुके हैं जिसमें इलेक्शन होना है। आज हम छत्तीसगढ़ पर बात कर रहे हैं। अगर हम मैनिफेस्टो को डिफरेंशिएट किया जाए दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस के, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, वही मुद्दे हैं। मैनिफेस्टो क्या होता है ना कि लोगों की पसंद के हिसाब से बनाए जाते हैं, लोग चाहते क्या हैं। अब यह है कि परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, बट मैं फिर बोलूँ अगर जो सरकार ऑलरेडी वहाँ काम कर रही है उसने अगर वो वादे अपने पूरे किए तो जनता का विश्वास उस पर वापस जाता है। अगर नहीं किए होते और मैनिफेस्टो अगर आपका कुछ और कह रहा होता या दोनों का एक जैसा भी होता और आपने पुराने वादे पूरे नहीं किए तो आपकी तरफ रुख हो सकता था, पर यहाँ अगर उन्होंने कंप्लीट किए। इसी तरह से मैं जैसे आपको मैं बीजेपी का सेंट्रल में बात करता हूँ कि मैनिफेस्टो के हिसाब से उन्होंने सारे वादे पूरे किए तो लोगों का रुख आपकी तरफ बढ़ेगा। इसी तरह से आपके स्टेट में भी होता है, अगर आपको विश्वास बहुत, और लोग वहाँ अपने विधायक से, अपने मंत्री से पर्सनली कनेक्ट होते हैं तो वो फर्क पड़ता है, वो कनेक्शन है। वो भूपेश बघेल ना जमीनी स्तर पर आपको कभी भी दिख जाएंगे, कहीं भी दिख जाएंगे, चाहे वो पीजी कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज का कोई कार्यक्रम हो, दिख जाएंगे। अब यहाँ तेंदूपत्ता एक जो वहाँ पर एक कल्चर है या ये कहें कि उससे बहुत बड़ा कारोबार बनता है, 600 रुपये प्रति बोरा और 4000 सालाना बोनस भी दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आप निचले स्तर का जो कारोबार है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक के लक्ष्य को लेकर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। मतलब फोकस है जातिगत जनगणना पर। महिला स्व सहायता समूह के अलावा महिलाओं के सक्षम योजना के तहत गए लोन को माफ किया जाएगा। आप सोचिए कि आप महिलाओं को जो आप लोन दे रहे हैं स्व सहायता समूह के तहत, उसको भी आप माफ करने के लिए तैयार हैं। युवाओं को बिजनेस के लिए लोन पर अभी 40% सब्सिडी है, इसे बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। प्रदेश के 6000 सरकारी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में बदला जाएगा। आप इतना लोन बांटते हैं और किसान का और महिलाओं का इतना लोन बांटते हैं तो माफी की बात क्यों आती है, लोन माफ की बात क्यों आती है? अगर हम ये माफी वर्ड अगर बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे, कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ, हमें उनको सक्षम बनाने की जरूरत है कि वो अपना लोन चुका पाए। उनको हमें इस तरह से डेवलप करना है, उनको मानसिक रूप से, उनको फिजिकली रूप से, कि ताकि वो अपना लोन चुका पाए। जब हम जनता के बीच में डाल देते हैं ना कि हमें लोन माफ करना है, तो हर आदमी ये देख रहा होता है कि कोई नई सरकार आए मेरा लोन माफ हो जाए, तो इससे हम कहीं ना कहीं कमजोर बनाते हैं। ये मैं इस पहलू को बिल्कुल गलत मानता हूँ कि लोन माफी वाला आपको सक्षम बनाओ। ठीक है, अभी स्थिति कई होगी, स्थिति मतलब 100 में से मैं बोलता हूँ कि 20 की 30 की स्थिति खराब हुई, उनका आप लोन माफ कर सकते हो, 100% रिजल्ट नहीं आ सकता। पर आपको ये भी देखना है, हम सब जो भी किसान भाई हैं उनको लोन लेने से आपकी बोलते हैं ना क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, चीज़ें और आपके फेवर में आती हैं और अन्य बैंक भी आपको लोन देना चाहते हैं। तो लोन माफ करना या लोन माफ हो जाना आपके लिए कहीं तक भी सही नहीं है। आप इस चीज़ को सक्षम बनाएं, जिस तरह से सरकार अब कहा है कि भाई हम जैसे धान की गेहूँ की खरीद बढ़ाएंगे, रेट बढ़ाएंगे, ये चीज़ें सही है, इससे हम बल भी मिलेगा उनको, ये काम होना चाहिए। बट मैं फिर भी बोलूँगा लोन माफ़ी सॉल्यूशन नहीं है। तो ये तो
कांग्रेस की बातें हुई मैनिफेस्टो की, बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। अगर ऐसा होता है तो वाकई छत्तीसगढ़ एक और ज़्यादा खुशहाल प्रदेश होगा। बीजेपी का संकल्प पत्र क्या कहता है? हर विवाहित महिला को हर साल 12,000 रुपये दिए जाएंगे, 18 लाख पीएम आवास योजना का घर मिलेगा। यहाँ पर फिर वही तेंदुपत्ता की बात हो रही है, वो 6,000 की बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं 5,500 की बात। अतिरिक्त संग्रह करने वाले 4,500 रुपये बोनस, बात वहाँ भी बोनस की हुई, बात यहाँ भी बोनस की हुई। आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपये तक हेल्थ स्कीम दिया जाएगा, 500 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, दवाई सस्ते दरों पर मिलेंगी, पीएससी में घोटाला नहीं होगा और जिन्होंने घोटाला किया वो अब ना सोए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, दिल्ली के एनसीआर की तर्ज पर एचसीआर बनाया जाएगा, रायपुर दुर्ग भिलाई को मिलाकर ये बनाया जाएगा, गैस कनेक्शन 500 रुपये वही मुद्दा, कॉलेज स्टूडेंट को बस की सुविधा दी जाएगी, एम्स के दर्जे पर हर संभाग सिम्स बनाया जाएगा, छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को विकसित किया जाएगा, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को रामलला के दर्शन के लिए रामलला दर्शन योजना लागू की जाएगी। देखिए यहाँ ये जो आखिरी पॉइंट है ना, यहाँ बीजेपी खेल गई है। देखो ऐसा है ना, रामलला के दर्शन तो होते रहेंगे, मैं तो जिसको जाना जाएगा। मैं दूसरी चीज ये बोलूँ कि देखो जनता के हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है। अब कि 5,500 और 6,000 रुपये की बात करी, भाई जिसकी भी सरकार आती है मिनिमम 5,500 तो मिलने वाले हैं, चाहे किसी की भी सरकार है। तो मतलब अगर कांग्रेस बीजेपी में जिसने 5,500-6,000 की बात करी है, 5,500 तो मिलने वाले हैं। तो कंपैरिजन बोलते ना एप्पल टू एप्पल हो जाएगा। सिलेंडर आपको 500 और 450 और ये जो वादे हुए हैं, आपको सिलेंडर भी कम होने वाला है। आपको किसान लोन की माफ़ी की बात हो रही, दोनों सरकारें कर रही हैं, तो ठीक है होने वाला है। मतलब कोई ऐसा नहीं हो रहा है, बोलते ना कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो रहा है। तो जनता के इस टाइम दोनों हाथों में लड्डू है, किसी की भी सरकार चुन लो फायदा होगा, और जो पुरानी सरकार है उसी को चुन ले तो उसका भी विश्वास और उसका भी काम करने का मन और अच्छा हो जाएगा कि जनता ने विश्वास जताया, ये फर्क पड़ता है। बिल्कुल, तो 70 सीटों पर सुबह से मतदान जारी है, वोटिंग परसेंट काफी अच्छा नजर आ रहा है और किसके खाते में ये वोट जा रहे हैं ये तो खैर वक्त बताएगा, कौन जीतेगा, किसके सर पर ताज सजेगा। लेकिन इन 70 सीटों में 15 सीटें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, सीट पैटर्न का मैं जिक्र कर चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पर खुद सीएम जो है वो मैदान में है। अंबिकापुर, शक्ति, दुर्ग ग्रामीण, रायगढ़, खरसिया, कोटा, रायपुर नगर दक्षिण, रायपुर पश्चिम, राजिम, डोंडी लोहारा, चंदपुर, दुर्ग शहर, साजा, केशकाल, ये जो सीटें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वीआईपी सीटें हैं। भाजपा के कैंडिडेट की मैं बात करूं तो सारे भाजपा के कैंडिडेट ऐसे हैं जो ज़्यादा मार्जिन से नहीं हारे हैं, कुछ हज़ार वोटों से ही हारे हैं। अगर ये मार्जिन इधर उधर होता है तो चांसेस हो सकते हैं कि भाजपा के कैंडिडेट को कहीं ना कहीं जगह मिल जाए। देखिए वो मिल जाए तो मैं बोलूँगी भाजपा अगर कुछ मार्जिन से हारी है तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने काम भी किया होगा, तो उनके काम पर वोट बढ़ेगा घटेगा नहीं। अगर जिस भी विधायक ने काम किया उसके वोट परसेंटेज बढ़ती है, घटती नहीं है, उसका फायदा उनको मिलता है। और इन्होंने अगर पिछली बार हारे हैं तो 5 साल में सरकार, जिस तरह से बोलते हैं ना कि जनता की थोड़ा सा याददाश्त कमजोर होती है, तो उनकी याददाश्त इनके मामले में कमजोर भी हुई होगी। तो यहाँ बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, छत्तीसगढ़ बिल्कुल क्लियर कट है और आगे काम इस तरह से होता रहा तो मैं तो बोलता हूँ प्रदेश का भला होना चाहिए, सरकारें तो आती जाती रहेंगी। किसकी गारंटी पर भरोसा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये आंकड़ा भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ दर्शा रहा है कि मध्य प्रदेश राजस्थान से बहुत अलग छत्तीसगढ़ का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी 39% गारंटी पर भरोसा जो गारंटी दी है, कांग्रेस 46%, अन्य 4%, 11% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें नहीं पता, हम कुछ कह नहीं सकते। यानी कि अभी थोड़ा सा ये है कि मन बना रहे हैं कि किसके साथ जाए। अब जातिगत जनगणना जो कि जिसको लेकर लोकसभा जैसे कि INDIA गठबंधन बना तो इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और कांग्रेस ने हर स्टेट में जाकर ये कहा कि हम जातिगत जनगणना ज़रूर कराएंगे। अब इस पर जब लोगों की राय मांगी गई है तो 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि सही है, होना चाहिए। 38% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि चुनाव है, चुनावी मुद्दा है। 12% लोग कह रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़िया अंदाज किसको पसंद है आपने ही बताया था अभी। 51% लोगों को पसंद है, 40% लोगों को नापसंद, 9% ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते हैं। तो ये है पूरा गुणा गणित छत्तीसगढ़ का, कौन कौन सी सीटें इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, जैसे 51% अभी ये सब बोला ना कि भूपेश बघेल के पक्ष में जा रही है चीजें, तो लोग जनता उसके पक्ष में है। और सीधी सी बात है कांग्रेस को आप साफ साफ देख रहे हो, अब बाकी जो परसेंटेज कम है 40-35 के आसपास बीजेपी के, तो उसी हिसाब से रेशियो में अगर आप वोट बांटे तो यही वोट परसेंटेज और यही सीट वहां मिलने वाली है। तो क्लियर कट आपको हमारी तरफ से
मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, उनको आज उनका उनका एग्जाम है और रिजल्ट 3 तारीख को होगा, पर आसार अभी नजर आ रहे हैं, मतलब कि उनके पक्ष में जा रही है, तो हम तो पहले से बधाई देते हैं उनको। तो आज वोट पड़ चुके हैं, इंतजार 3 तारीख का है जब रिजल्ट आएगा, लेकिन जिस हिसाब से वोटिंग परसेंट रहा है दोनों ही चरणों का, उससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल्स का इंतजार रहेगा, एग्जिट पोल क्या कुछ कहते हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ क्लियर कट हम तो यही कह रहे हैं कि भूपेश बघेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ के। जी, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।